आपके पास इंटरनेट आ गया, आजकल कहीं भी मुंह उठा के किसी का वाईफाई का पासवर्ड लेके आप बकवास कर रहे हो, और आपने जिंदगी में अभी तक कुछ नहीं किया, आप अपने घर से ही नहीं निकले, सर ये वो बल्ले बल्ले वाला मत बना देना, क्योंकि ये बेसिकली मजाक के पात्र नहीं है। ये हीरोइज्म वाली चीजें होती है ना, वो भी आपको कहीं ना कहीं करनी होती है, चाहे आपकी शक्ल आपका साथ ना दे। वो हमारी सुअर वाली चमड़ी हो चुकी है कि अभी हमें कुछ बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। हेलो गाइस, वेलकम टू बॉलीवुड नाउ। मैं हूं अंबिका सिंह, आपकी होस्ट और दोस्त। आज हमारे साथ है अंजुम जी, जो इन दिनों काफ़ी धमाल मचाए हुए, मतलब आप घर की गलियों से भी गुजरेंगे तो हर जगह उनकी ही चर्चे हो रहे, उनकी एक्टिंग की काफ़ी चर्चे हो रहे। सो लेट्स वेलकम हिम। हेलो अंजुम जी, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया हूं मैं, बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन दिया आपने। थैंक यू सो मच। मैं आपको देख देख के सो क्या कहना चाहेंगे, जो ट्रक भरकर प्यार आपने मांगा था आपके फैन से, वो प्यार कितना हद तक देख रहे हैं आप? मैंने जब ना ये, आपने मेरे ख्याल इंस्टा की पोस्ट की बात कर रही हैं, तो जब मैंने ये पोस्ट डाली थी ना, तो मैं हमेशा से क्या करता हूँ, मैं हिंदी में या पंजाबी में कुछ लिखता हूँ पोस्ट पे, तो मैंने इस बार लिखा, मैंने कहा ट्रक भर के प्यार देना, तो मेरे को सच में कमेंट्स पता क्या है, ओ पाजी आपको ट्रेन भर के दे देंगे, ओ पाजी आपको जहाज भर के दे देंगे, तो सच में मिल रहा है, वो ट्रेन भर के मिल रहा है। अभी तो खैर एक दिन हुआ है अभी फिल्म रिलीज हुई, जी जी, तो बहुत प्यार मिल रहा है। और मतलब होता क्या है कि आपको उम्मीद होती है, बिकॉज चमकीला अपने आप में एक बहुत बड़ा नाम है, और ऊपर से जो टीम है, चाहे इम्तियाज़ अली सर हैं, दिलजीत पाजी हैं, परिणीति हैं, ए आर रहमान है, जो बड़े बड़े नाम हैं, तो लोगों के अंदर वैसे ही उसको, उस फिल्म को देखने की उत्सुकता थी, एक चाह थी, और उसका मेरे ख्याल जो मेरे लिए ब्लेसिंग इन डिसगाइज़ है कि कर सब हो रहे हैं, तो वो कहते हैं ना, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, तो मतलब सबने किया और मेरा बेसिकली, मेरे को फायदा हो रहा है बहुत ज्यादा, और प्यार मिल रहा है बेशुमार। बहुत ही बखूबी आपने जो दोस्ती निभाई है उसमें, रियल लाइफ में फ्रेंड्स के लिए कितना अवेलेबल रहते हैं आप, जिस तरह से आपने पिक्चर में दिखाया? हाँ मैं मतलब फ्रेंड्स के लिए, मतलब ये तो आप मेरे फ्रेंड्स ज़्यादा अच्छे से बताएंगे, कहीं मेरे को मारे ना कि तू हमारे लिए अवेलेबल नहीं रहता, लेकिन सच में मैं, मेरे को यही है कि पैसे तो हर इंसान कमाता है, लेकिन अगर आप अपने कुछ दोस्त, चंद दोस्त कमा लिए आपने ज़िंदगी में, तो मेरे ख्याल में वो बहुत बड़ी बात होती है। और मेरे हैं जो बचपन से, मतलब जो मेरे दोस्त हैं वो आज भी मेरे साथ हैं, बाकी तो दोस्ती हम जैसे फिल्म इंडस्ट्री में जब आए, यहाँ वाले दोस्त अलग हैं और उनसे भी बहुत प्यार है, लेकिन जो बचपन में जो स्कूल टाइम के थे, जैसे मेरा दोस्त है यशु, निखिल, ये सब मेरे बचपन के दोस्त हैं, सनी, तो ये सब मेरे अबोहर से, मेरे होम टाउन से मेरे दोस्त हैं, जो आज भी मेरे साथ मतलब वैसे ही हैं जैसे पहले थे, तो दोस्तों के साथ तो प्यार है। जब आपको ये प्रोजेक्ट आपके पास आया, तो आपका रिएक्शन क्या था? और एक क्वेश्चन और ऐड करना चाहूँगी मैं, जनरली जब आपके पास कोई स्क्रिप्ट आती है तो सबसे पहले आप उसमें देखते क्या हो? ये प्रोजेक्ट मेरे को जब आया, ये मुकेश छाबड़ा कास्टिंग कंपनी, मुकेश भाई की टीम से मेरे को कॉल आता है कि ये 2022 की बात है, तो मेरे को असिस्टेंट का कॉल आता है कि मुकेश छाबड़ा सर के यहाँ से बोल रहे हैं, और एक कैरेक्टर है, उन्होंने मेरे को तब ये नहीं बताया कि ये किसकी बायोपिक बन रही है, या कुछ नहीं बताया मेरे को कि एक प्रोजेक्ट है, एक सिंगर की कहानी है बेसिकली, तो उसमें एक कैरेक्टर है, आप उसका ऑडिशन दीजिए। तो मैंने ऑडिशन दिया, तो फिर थोड़े दिन बाद कॉल आया कि यार सर एक और कैरेक्टर के लिए ऑडिशन करते हैं, तो मैंने उसके लिए दिया। फिर इनका एक दो महीने बाद, मेरे ख्याल अगस्त 2022 में कॉल आता है कि यार एक ना कैरेक्टर है ढक्कन, और ये अमर सिंह चमकीला की बायोपिक बन रही है, इम्तियाज़ अली इज़ द डायरेक्टर, और मैं इम्तियाज़ सर का नाम सुना तो मतलब, और मुकेश छाबड़ा सर का क्या है कि पाजी का क्या है कि वो हमेशा जब भी मेरे को किसी कैरेक्टर के लिए सोचते हैं या मेरे पास उनके यहाँ से कॉल आता है, तो मेरे को पता होता है कि यार ये बहुत कुछ अच्छा ही होगा। तो जैसे ही मेरे को पता चला कि मेरे को ढक्कन का ऑडिशन देना है, तो मैंने दिया ऑडिशन, लेकिन उसके बाद फिर मेरे को कॉल आता है कि यार पाजी ढक्कन के लिए नहीं, एक कैरेक्टर है केसर सिंह टिक्की, तो मेरे को तब नहीं पता था कि कैसा क्या कैरेक्टर है, क्या है, क्या रिश्ता क्या है, हाँ मतलब चमकीला के साथ क्या रिश्ता है उनका, लेकिन मेरे को ये बताया था कि बड़ा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, अगर दिलजीत और परिणीति के बाद अगर फिल्म में कोई है कैरेक्टर तो वो केसर सिंह टिक्की है। तो जैसे मैं उनके शब्द को मैंने फाइनल शब्द माना कि अगर ये बोल रहे हैं तो ऐसा ही होगा। मैंने ऑडिशन दिया, मेरे को कॉल आ गया कि यार ऐसा है कि आप कहाँ पे हो, मैंने कहा यार मैं चंडीगढ़ में हूँ, तो कहते कि इम्तियाज़ सर और मुकेश छावड़ा जी ये टैगोर थिएटर में आने वाले हैं, तो अगर आपके लिए पॉसिबल है आप एक मीटिंग कीजिए इम्तियाज़ सर से। तो मैं टैगोर थिएटर में इम्तियाज़ सर से मिला, इम्तियाज़ सर ने एक डेढ़ घंटे में मेरे को पूरी स्क्रिप्ट नरेट की, टिक्की के पॉइंट ऑफ व्यू से भी,
चमकीला के पॉइंट ऑफ व्यू से और डायरेक्टर्स जैसे पर्सपेक्टिव होता है वो उनका क्या टेक था चमकीला को लेके, वो सारी चीजें उन्होंने मेरे को बताई कि मैं इसको क्या करने वाला हूँ इस फिल्म के साथ, तुम्हारा कैरेक्टर मैं कैसे दिखाने वाला हूँ। तो उन्होंने मेरे को दो तीन बातें बोली, एक कि यार तुम्हारा वेट बहुत कम है, तुम एक तो वेट गेन करो 10-12 किलो, मैंने कहा सर हो जाएगा। सेकेंडली उन्होंने बोला कि यार बाल छोटे हैं, क्योंकि आज हम ऐसे छोटे छोटे बाल साइड से क्लीन रखते हैं, तो लंबे बाल हुआ करते थे, लंबे बाल रखो। तो मैंने कहा वो भी रख लूँगा। तो फिर तीसरी उन्होंने बात मेरे को जो बताई कि केसर सिंह टिक्की उस वक्त के सबसे बढ़िया और बड़े ढोलक वादक थे, चाहे वो कुलदीप मानक थे, चाहे वो सुरेंद्र छिंदा थे, उनके साथ वो संगत किया करते थे, और चमकीला को बनाने में सबसे बड़ा हाथ था वो केसर सिंह टिक्की का था। तो मेरे जहन में ये बात है, मैंने कहा यार अगर ये कैरेक्टर मेरे को मिल रहा है, और वक्त था हमारे पास अक्टूबर और नवंबर, बिकॉज नवंबर इम्तियाज सर ये सोच रहे थे कि इसको फ्लोर पे ले जाएंगे, शूट शुरू कर देंगे। तो मेरे को ये था, मैंने कहा सर कि अगर पॉसिबल है, हमारे पास 2 महीने हैं, मैं ढोलक सीखना चाहता हूँ, तो मतलब मैं सीख सकता हूँ। तो कहते ठीक है, हम आपके लिए एक बहुत अच्छे जो गुरु हैं वो अपॉइंट कर देंगे। तो चंडीगढ़ से एक गुरु थे केसी वैष्णव, उन्होंने मेरे लिए वो अपॉइंट किए, वो रोज़ मेरे को क्लास देने आते थे। क्लास मेरी क्लासेस चली कुछ 2-3 महीने, फिर फिल्म थोड़ी पुश हुई, दिसंबर में शूट हुआ। तो मतलब ये मैंने प्रिपरेशन की उस सब के लिए। और जो आपने मेरे को ये सवाल पूछा था कि आप कैरेक्टर कैसे आप ये कर, तो मेरे ख्याल में जब इम्तियाज सर ने नरेशन दे दी कि ये कैरेक्टर क्या है, तो थॉट प्रोसेस तो तभी चलना शुरू हो गया कि यार मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। हालांकि मैं इस चीज़ का बैगेज नहीं लेके चलता, फिर आप कॉन्शियस हो जाते हो कि मैं इतना बड़ा कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ। तो मैं जैसे कोई भी कैरेक्टर है, मैं तो हर कैरेक्टर को उसी एक नज़र से देखता हूँ कि मैं एक्टर हूँ, ये मेरा काम है, और हर कैरेक्टर को उसी तरह लेके चलता हूँ। बट क्योंकि टिक्की बड़ा इम्पॉर्टेंट जैसे मेरे को इम्तियाज सर ने बताया, तो मैंने उसको थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट ट्रीट भी किया कि उसके लिए मेहनत थोड़ी सी करनी पड़ी मेरे को, रखी भी जी। सो केसर सिंह टिक्की का जो किरदार था, इसके लिए आपको बहुत कुछ स्टडी भी करना पड़ा होगा जानने के लिए कि मतलब वो असल जिंदगी में कैसे थे, आप उनसे रिलेट कर पा रहे हो नहीं, तो ये सब चीज़ों में किसने आपकी हेल्प की? देखिए इम्तियाज सर वैसे हमारी लाइन में ये बोलते हैं कि राइटर इज माइजर, राइटर बहुत कंजूस होता है। उसका एक रीज़न होता है कि उसके पास और फिल्म में जो मेरे ख्याल में अगर कोई बड़ी फिल्म है उसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, ऑनसेंबल कास्ट है, तो 100 के करीब भी किरदार होते हैं। तो एक डायरेक्टर हर कैरेक्टर के बारे में ब्रीफ में नहीं लिख सकता, तो वो कुछ कुछ कैरेक्टर्स के बारे में जो बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है वो लिखते हैं। तो कैरेक्टर का काम तो एक्टर का ही काम है कि उसकी आगे पीछे की ताना बाना बुनना बेसिकली। तो मैंने भी वही किया, तो फिर तैयारी तो फिर करनी पड़ती है। और यही आपका सवाल वैसे क्या था मेरे को? मेरा सवाल यही था आपसे कि मतलब जब आप केसर सिंह टिक्की के लिए आपको मतलब फाइनली जब सब कुछ डन हो गया, आप एकदम फिक्स हो गए कि हाँ यही कैरेक्टर आप करने वाले हैं, उसके बाद आपको कितनी स्टडी करनी पड़ी उनकी लाइफ पर? मैं मेरे ख्याल थोड़ा तो मैंने आपको बता दिया है जी, इम्तियाज सर ने बातें इतनी है मेरे पास बोलने के लिए, तो ना मैं सवाल को भी घुमा रहा हूँ, आप मेरे को सवाल कुछ कर रहे हैं लेकिन मेरे को बताने में इतना कुछ है ना, मैं कड़ी से कड़ी जोड़ नहीं, बट आप जो कड़ी बता रहे हैं ना वो भी बहुत इंटरेस्टिंग लग रही है कि मतलब कैसे कैसे आपने उन चीज़ों को महसूस किया, इम्तियाज सर के साथ आपका वो कॉन्वर्सेशन क्या था, लाइक बिकॉज ये चीज़ें ज़्यादा मैटर करती है कि जब आपको एक्सप्लेन किया जाए कि आपको करना क्या है, और आप उस वक्त अगर आधी चीज़ें समझ जाते हो तो आगे का काम आपके लिए बहुत ईजी हो जाता है, आसान हो जाता है। और क्योंकि इम्तियाज सर के पास सच में, क्योंकि टिक्की एक ऐसे शख्स थे, अभी जनवरी में उनकी डेथ हुई है और उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, तो इस वजह से फिर नहीं रिकवर कर पाए वो ज़्यादा, तो अभी उनकी डेथ हुई है। तो टिक्की से इम्तियाज सर ने मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा उनकी संगत की टिक्की की, और केसर सिंह जी से बहुत सारी चीज़ें उनको पता चली कि चमकीला कैसे थे, क्या क्या, बिकॉज टिक्की का अपना वर्जन था एक, आफ्टर चमकीला जब डेथ हो चुकी हो गई थी उनकी, तो इतने साल फिर वो मतलब लाइफ उन्होंने जी, तो उनका एक अपना टेक था, अपनी उनकी बातें थी। तो इसलिए रिसर्च में भी इम्तियाज सर का मेरे ख्याल केसर सिंह टिक्की ने बहुत हेल्प की। और मेरे लिए आसान इसलिए था क्योंकि टिक्की की कोई बहुत ज़्यादा वीडियोस नहीं थी सोशल मीडिया पे कि वो जवानी में कैसे थे, तो इस वजह से अंजुम बत्रा ने जो टिक्की प्ले किया लोगों के लिए वही टिक्की है। तो इस वजह से इम्तियाज सर ने जो मेरे को जितनी जितनी बातें मेरे को केसर सिंह टिक्की की के लिए बताई वो मेरे लिए मोर देन सफिशियंट थी। बट एक एक्टर कैरेक्टर का ताना बाना अपने इर्द गिर्द बुनता है, उसके परिवार का पता होता है, लेकिन जवानी में वो कैसे थे, क्योंकि प्ले तो मैं उन्हीं को कर रहा हूँ ना, तो इस वजह से जवानी में वो कैसे थे, तो इसलिए थोड़ा सा ताना बाना बुनना पड़ा। और मेरे लिए ये लिबर्टी भी थी कि जैसे मैं प्ले करूंगा तो लोगों को ये लगेगा केसर सिंह टिक्की जवानी में ऐसे ही हुआ करते थे। करेक्ट करेक्ट, ये एक बात है।
सो अभी इम्तियाज अली सर के साथ, मतलब हर किसी का काम करना एक सपना ही होता है, जैसे कि आपने अभी जिक्र किया कि जब आप उनका नाम सुने तो तभी आप खुश हो गए थे. सो इम्तियाज सर से मिलने के बाद आपने कौन सी एक नई चीज़ सीखी, बिकॉज आपने पहले फिल्में बहुत सारी की है, 83 की है, जर्सी की है, और उससे पहले भी बहुत सारी मूवीज़ आपने की है, बट उनके साथ काम करने का जो एक्सपीरियंस होता है, एक कह सकते हैं हम एक इंसान के साथ काम करने के बाद जो नई चीज़ सीखने मिलती है, वो क्या सीखा है आपने? एक तो सबसे बड़ी बात, जो हम जब पढ़ा करते थे तो हमारी जो टीचर्स थी वो भी हमें यही, क्योंकि मैं इंडियन थिएटर डिपार्टमेंट से हूँ पंजाब यूनिवर्सिटी में, तो वहाँ पे हमारे टीचर ये बात बताया करते थे कि आप क्योंकि लाइमलाइट में आओगे कल को, स्टारडम वाली लाइन है और बड़ी पॉम्प एंड शो वाली लाइन है, तो दिमाग ठिकाने पर रखना जब भी कभी आपको सक्सेस मिले. और वो होते ना कि नेवर टेक सक्सेस टू योर हेड एंड नेवर टेक फेलियर टू योर हार्ट, तो वो हमें बताया जाता था कि दिमाग अपना ठिकाने पे रखना जब भी आपको कुछ सक्सेस मिले फिल्म इंडस्ट्री में, तो वो हम दिमाग में लेके चलते हैं शुरू से. लेकिन इम्तियाज सर को देख के ये, और चाहे इम्तियाज सर या दिलजीत पाजी को देख के ये चीज़ और समझ में आती है कि यार हलीमी सब कुछ है, डाउन टू अर्थ रहना, इतने बड़े हो जाने के बावजूद भी कैसे तमीज़ से तहजीब से बात करना, ये इम्तियाज अली सर से सीखने की ज़रूरत है. और मैंने बहुत सारे डायरेक्टर्स के साथ काम किया है और आई एम लकी कि मेरे को तकरीबन सारे डायरेक्टर्स इसी स्वभाव के मिले कि वो सब इतने पोलाइट, इतने प्यारे. शायद मेरा, शायद वो होता है ना कि कुदरत आपके लिए एक रास्ता इख्तियार करती है कि आपको फिर आपकी जर्नी में वैसे ही लोग मिलते हैं, तो मेरा ये बहुत अच्छा रहा मेरे लिए. और इम्तियाज अली सर से एक और बात जो सबको मतलब सीखनी चाहिए कि वो चाहे एक दिन का कोई एक्टर कैरेक्टर करने आया है या चाहे वो दिलजीत पाजी थे, उनका जो बात करने का तरीका, जो समझाने का तरीका, वो सबके लिए एक है, वो एक समान है. मतलब उनके लिए कोई बड़ा एक्टर नहीं है, कोई छोटा एक्टर नहीं है, वो सबको वैसे ही ट्रीट करते हैं. और बातों से कैसे आपके मुँह से फूल झड़ने चाहिए वो इम्तियाज अली सर से को पूछे. और हाईली टैलेंटेड, और मतलब वो हैं कुछ. मैंने अभी जैसे कल मेरे से किसी ने कोई बात कर रहा था तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा यार दिलजीत पाजी और इम्तियाज सर ये मेरे को लगता है कि भगवान के सबसे चहेते बच्चे हैं, गॉड फेवरेट चाइल्ड हैं ये लोग. ऐसे लगता है कि भगवान बस इनके ऊपर ऐसे अपनी छाया करके बैठे हुए हैं कि बच्चों तुम मजे लो अब जिंदगी के. तो बहुत प्यारे लोग हैं, बहुत प्यारे इम्तियाज, बहुत कुछ सीखा है जी. फिल्म देख के तो साफ पता चल रहा है कि सबसे ज़्यादा सीन्स आपने ही दिलजीत के साथ किए हैं, तो काफ़ी करीबी से भी, मतलब आप करीब से जान चुके हैं उन्हें, तो आपका उनके साथ कैसा बॉन्ड बन चुका है एंड कैसा रहा उनके साथ काम करने का सारा एक्सपीरियंस आपका? देखिए दिलजीत पाजी ना बड़े शांत स्वभाव के हैं, वो वैसे जो उनको कैरेक्टर्स वो प्ले करते हैं वो मेरे ख्याल अपनी एनर्जी सेट पे शायद बचा के रखते हैं, इस वजह से बड़े शांत. और जब वो आते भी हैं तो अपने साथ एक ऑरा लेके आते हैं, आ रहा है दिलजीत सुपरस्टार, बट वो वैसे खुद शो नहीं करते. तो दिलजीत पाजी के साथ मैंने वक्त बिताया, जैसे कि आपने अभी बोला कि हाँ फिल्म में मेरे सीन्स थे, लेकिन होता क्या था, दिलजीत पाजी जैसे आए तो आने से पहले, एक्शन होने से पहले अगर हमने सीन कुछ डिस्कस किया तो किया, अदरवाइज उनका एक वो होती है ना रूहानी तार कहीं जुड़ी हुई है, वो वाहेगुरु ओम नमः शिवाय उनका जाप चल रहा है एक्शन से पहले, और एक्शन और कट के दरमियान जो हम एक्टिंग कर रहे हैं तब वो वहाँ पे हैं, और कट होते ही वो फिर अपने उस जोन में है. लेकिन हाँ हमारी बहुत सी बातें होती थी, जैसे पहले दिन उन्होंने मेरे को कंफर्टेबल करने के लिए, पता नहीं कंफर्टेबल करने के लिए या उनके मन में ये बात आई, हमारा एक सीन हुआ तो दिलजीत भाई जैसे उनका वो है सीधी पंजाबी एकदम ठेठ बोलते हैं वो, तो ओप्पा जी यार तुम तो बहुत बढ़िया एक्टर हो यार, तुम कितने सीखे यार, तुम पंजाबी फिल्में क्यों नहीं करते, जैसे वो बात करते हैं. तो मैंने भी आगे से हमें बोल दिया, मैंने कहा पाजी को पंजाबी फिल्म देता नहीं, तो कहते ये नहीं हो सकता, आपको करनी हिंदी प्रोजेक्ट्स हैं इसलिए आप उसको तवज्जो नहीं दे रहे. तो वो ऐसे हैं कि उन्होंने पहले दिन ही मेरे को मतलब कंफर्टेबल करने के लिए कि हमारे सीन्स हैं बैक टू बैक, तो अंजुम पाजी को कंफर्टेबल कर देते हैं, और तो फिर हमारी बहुत अच्छी ट्यूनिंग रही, चाहे उनकी टीम के साथ भी, मतलब बड़ा हमने फन किया. बट वो आते हैं तो उसके बाद वो शांत रहते हैं, जो परफॉर्म करना है उनको वो सीन में परफॉर्म करते हैं. और बट मज़ा बहुत आता था जब कट भी हो जाता था, उसके बाद बीच बीच में बातें तो होती थी, मज़ा आता था दिलजीत पाजी जी. बहुत कुछ है उनके पास, बहुत बातें हैं उनके पास, बहुत जी. इन दिनों ये जो खबरें चल रही है कि उनकी शादी हो गई है, उसमें क्या उसमें क्या सच्चाई है? देखिए इस बारे में मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगा क्योंकि मेरे को नहीं पता सच में. और वैसे भी दिलजीत पाजी की एक बात है, वो सेट पे भी एक दफ़ा उन्होंने बताया था कि किसी एक गाने की वजह से पंजाब में बहुत साल पहले उनके घर के आगे धरने लगा दिए गए थे और बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हुआ था, तो तब से वो अपनी फैमिली को लेके ना
ओवर प्रोटेक्टिव है, तो इस वजह से वो बड़े लो की रखते हैं अपने परिवार को, माता को, पिता को, भाई को, सबको वो बड़ा मतलब इस दुनिया से थोड़ा सा दूरी बना के रखते हैं। और बाकी मेरे को सच में नहीं पता कि वो तो बातें हैं, बातों का क्या तो सच में मेरे को नहीं पता। परिणीति भी है फिल्म में, उनके साथ कैसी ट्रेनिंग रही आपकी? ऑल्सो मुझे वो सीन याद है जब आप पहली बार दिलजीत को गाने के लिए कहते हैं फिल्म में, उसके बाद जब उनकी लाइफ अलग ही टर्न हो जाती है, क्या वो उस वक्त जब वो गाना वो गा रहे थे, क्या वो लाइव परफॉर्मेंस था वहाँ पे? हाँ, जितने अखाड़े मतलब जो लाइव शोज, उनको पंजाब में अखाड़ा बोलते हैं, जितने अखाड़े हैं वो सब लाइव रिकॉर्ड हुए हैं। यस, तो जो दिलजीत पाजी ने गाया या परिणीति ने, जितने भी आप अखाड़े देख रहे हो, ये लाइव सिंगिंग है, वहीं पे रिकॉर्ड की है। तो ऐसा मतलब कईयों को जो म्यूजिक की बहुत अच्छी समझ रखते हैं, उनको पता समझ में आ जाएगा कि ये लाइव रिकॉर्ड हुआ है। और ए आर रहमान सर का आपको फिर पता है कि उनका काम करने का तरीका, तो वो बड़ा बाकमाल। लेकिन इम्तियाज सर का थॉट यही था कि हम अखाड़ों को लाइव रिकॉर्ड करेंगे, और ठेठ पंजाबी जिनको नहीं समझ में आती, वो साथ में वो सब टाइटल्स और वो सब चल रहा है हिंदी में, उनके लिए ट्रांसलेशन करके वो स्क्रीन पे चलता रहता है। तो आपने बात पूछी थी परिणीति की, तो परिणीति का मैं बता देता हूँ कि यार वो मतलब बहुत कमाल है। मैंने नमस्ते इंग्लैंड उनके साथ फिल्म कर चुका हूँ मैं, तो मेरी उनके साथ पहले ऑलरेडी ट्यूनिंग बहुत अच्छी थी। और परिणीति के साथ मैंने नमस्ते इंग्लैंड पे भी बहुत बातें करते थे, वो बहुत बातें करती हैं, उनको मतलब बहुत जानने की इच्छा रहती है हर चीज़ मतलब अच्छी। तो वो जैसे मेरे, क्योंकि मैं थिएटर बैकग्राउंड से था, तो तब उन्होंने मेरे को पूछा कि यार अंजुम आप थिएटर लाइफ के बारे में बताओ कि क्या क्या किया करते थे, कौन से नाटक आप करते थे। उसके बाद जब उनको पता चला कि मैंने टेलीविज़न में जैसे क्राइम पेट्रोल सावधान, ये मैंने एपिसोडिक्स बहुत किए हैं, तो तब उन्होंने मेरे से वो मतलब उनके मन में एक क्यूरियोसिटी थी कि यार ये लोग कैसे काम करते हैं, बहुत अच्छा शूट करते हैं, तो कैसे वो क्या तरीका रहता है, तो बहुत बातें करते थे। कट टू हम जब मिले इम्तियाज़ सर के ऑफिस में मिले, हम रीडिंग के लिए, मैं इम्तियाज सर, परिणीति और दिलजीत पाजी, हम चारों की रीडिंग थी। तो दिलजीत पाजी को मैं तब पहली दफ़ा मिला था, लेकिन परिणीति जी, क्योंकि मैं पहले से वाकिफ था, उनसे मुलाकात होती थी नमस्ते इंग्लैंड के सेट पे। तो अभी जैसे कल प्रीमियर पे भी, तो दूर से उन्होंने मेरे को आवाज़ लगा दी, तो वो ऐसी है मतलब, वो अगर देख लिया उन्होंने तो फिर वो मतलब दूर से आवाज़ लगा देंगी, और फिर आपको अच्छे से मिलेंगी जब भी डाल के मिले। और फिर उन्होंने मेरे को कहा, अरे तू वो अपना सीन देखना यार, मैंने फिल्म देखी है, तू वो सीन देखना, क्या कमाल है, लाफ्टर आता है उस पर। तो मतलब वैसे ही है, मतलब जो वो उनके जो दिल में है वो जबान पे है, बहुत बहुत प्यारी है, सच में बहुत प्यारी है। तो अभी तो मतलब ऊपर वाले की इतनी कृपा है, सारी चीज़ें आपकी बहुत अच्छी चल रही है, टच वुड। बट क्या कभी ऐसा हुआ आपके लाइफ में, लो फेज आया हो, उस वक्त आपको मतलब काम की जरूरत रही हो, काम नहीं रहा हो आपके पास, ऐसा भी कोई सिचुएशन आया है आपकी लाइफ में? एंड उस वक्त कौन खड़ा था? बिकॉज एक्ट्रेस की लाइफ एक ऐसी होती है ना कि मतलब सक्सेस से ज़्यादा रिजेक्शन पहले झेलना पड़ता है, सो आपकी लाइफ में वो दौर कितने टाइम तक था एंड कैसे डील किया आपने? देखिए होता क्या है, हर इंसान की लाइफ में ये दौर आता है। अगर कोई बंदा मतलब कोई भी इंसान इस चीज़ से मुनकर नहीं हो सकता, उसको मना नहीं कर सकता कि मेरी जिंदगी में ये दौर नहीं आया। तो मेरे भी आता था क्या, अभी भी आ जाता है बीच बीच में, लेकिन क्या है, अब हम हो गए हैं मोटी चमड़ी वो हमारी सुअर वाली चमड़ी हो चुकी है कि अभी हमें कुछ बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। वो कहते हैं ना कि मेरे को धूप में रखो, मेरे को छाया में रखो, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सबसे पहले तो आपकी इमीडिएट फैमिली होती है जो आपके साथ खड़ी रहती है, चाहे धूप है चाहे छाया है, उनके लिए आप सुपरस्टार बन जाओ, उनको तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उनके लिए आप कुछ बहुत ज़्यादा नहीं कर रहे हो, उनके लिए आप उनके बच्चे हो, या जो भी आपका रिलेशन है, आपके चाहे बहन है, आपका आपके फादर हैं, माता हैं, आपकी वाइफ हैं, बच्चे हैं, उनके लिए आप वही हो। तो अप्स एंड डाउन्स आए, जैसे मैंने पहली फिल्म मेरी देवडी मैंने चंडीगढ़ में डिपार्टमेंट ऑफ इंडियन थिएटर के टाइम पर मैंने कर ली थी, तो उसके बाद एक उम्मीद थी कि यार कुछ वक्त बदलेगा, क्योंकि बदला भी, लोग मेरे को तब भी मैं लोगों ने मेरे को रिकग्नाइज़ करना शुरू कर दिया था। और अनुराग कश्यप के साथ थी इतनी बड़ी फिल्म, इतनी सुपर डुपर हिट हुई, मेरा कैरेक्टर बहुत अच्छा था, मेरी बात हुई, सब ने मेरे बारे में जिक्र किया। और उसके बाद पंजाब में मैंने एक सीरियल किया डेली सोप, तो मैं वो करके आया था बॉम्बे में जब शिफ्ट हुआ जब मैं, लेकिन उसके बाद एक डेढ़ साल तक मेरे पास काम नहीं था। मैं लेकिन हमें क्या होता है, कई लोग कई इंसान इस मुगालता में रहते हैं कि शायद जाते ही कुछ ऐसा हो जाएगा कि आपको एयरपोर्ट पे या रेलवे स्टेशन पे पकड़ के ले जाएंगे कि यश चोपड़ा के ऑफिस से या धर्मा प्रोडक्शन के ऑफिस से कुछ लोग खड़े हैं कि आ जाओ भाई, आपका इंतजार कर रहे थे कि आपको सुपरस्टार बना देंगे। ऐसा कुछ नहीं है,
आपको आके मेहनत करनी ही पड़ेगी। तो मेरे ख्याल में मैं वो एक चीज लेके आया था कि देवडी करके आया था, एक सीरियल करके आया था, कुछ पैसे भी लेके आया था, तो बड़े अच्छे तरीके से मैं रहा एक डेढ़ साल भी। मेरे दिमाग पे कुछ बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं था, क्योंकि मेरे को ये था यार ये तो होना ही है, और अगर आप इस लाइन में पेशेंस नहीं रखते हो ना तो आप आज ही घर लौट जाना चाहिए, हाँ टिक नहीं सकते हो। तो अप्स एंड डाउन्स आए, उसके बाद जैसे मैंने बताया क्राइम पेट्रोल, ये एपिसोडिक जब शुरू हुए तो ऑप्टिमिस्टिक प्रोडक्शन हाउस ने जो मेरी बाजू तब पकड़े, जो मेरा हाथ पकड़ा उन्होंने, और बीच बीच में मैं फिल्म्स भी करता रहता था, लेकिन एपिसोडिक ने जो मेरे घर की किचन और जो मेरे बेसिक खर्चे थे इन्होंने निकालने शुरू किए। बीच बीच में होता था लो फेज आता था, कभी अगर एपिसोडिक नहीं हुआ तो एड्स कर ली, जैसे प्रदीप सरकार के साथ, सोडा फिल्म्स के साथ मैंने बहुत सारी एड्स की हैं, तो वो आ जाता था। तो और फिर क्या है, क्योंकि मेरी जैसे हम पंजाब से हैं और हमारे बानी में भी बोलते हैं कि पाने में रहना चाहिए, कि जो वो कर रहा है उसकी रजा में राजी रहना चाहिए, तो हम रजा में राजी रहता हूँ मैं, कुछ ऐसा नहीं है बहुत ज्यादा। मैं थॉट प्रोसेस बहुत हाई है, ऐसा नहीं है कि हमें डेस्टिनेशन की, हाँ डेस्टिनेशन का हमें पता है कि क्या है बेसिकली, और वो भी ऊपर से ही आया हुआ है कि आपको पता है कि आपका क्या डेस्टिनेशन होने वाली है, बट रस्ते का हमें नहीं पता और जर्नी का हमें नहीं पता होता। तो अप्स एंड डाउन्स जब भी आए हैं ना, तो क्योंकि भंगड़े वाली बैकग्राउंड भी है, तो हमारे वो ना एक जैसे सिद्धू मूसे वाला पाजी मारा करते ना पट पे थापी, तो हमारे क्या पट पे थापी मार के ना, हम उसको बोलते हैं कि चढ़ती कला में हो गए हम, तो वो थोड़ा सा भी कभी अगर लो होते हैं ना तो पट पे थापी मार के एकदम से चढ़ती कला में हो जाते हैं। तो इंसान है जी। कई बार एक्ट्रेस ने ना, कई एक्ट्रेस ने अपने इंटरव्यूज में ये भी बताया है कि कई बार सिलेक्शन हो जाता है बट वो शूट होने से पहले बताया जाता है कि मतलब आपका तो कोई कैरेक्टर ही नहीं है, आपको रिप्लेस कर दिया गया। कभी आपके साथ हुआ ये रिप्लेस वाला सीन? रिप्लेस वाला सीन नहीं हुआ वैसे, मेरे को नहीं लगता कि मेरे साथ कभी ऐसा हुआ है। हाँ सीन एडिट ज़रूर हुए हैं, यस, जैसे डर्टी पिक्चर मैंने एक फिल्म की और फोर्स एक पिक्चर थी, फोर्स में तो एक सीन एडिट हुआ, डर्टी पिक्चर में कुछ तीन चार सीन एडिट हो गए थे, तो वो सिर्फ एक सीन आया था जिसमें मैं टिकट ब्लैक कर रहा हूँ, अदरवाइज वो जर्नी थी उस ब्लैकिया की भी। तो अच्छा होता क्या है, आपको जो लोग आपको डीमोटिवेट करने के लिए और जो लोग आपको आपके किसी काम को अप्रिशिएट नहीं करना चाहते, वो आपका काम ढूंढ के लेके आते हैं, बड़े कैरेक्टर्स उनको नहीं दिखेंगे, ओ बतरा यार तू डर्टी पिक्चर सी ना यार, बड़ा तेरा बढ़िया कैरेक्टर सी, छोटा जा छोटा जा, यस टिकट भेज, तो उनको वो कैरेक्टर दिखते हैं। और होता क्या है, जब कोई बड़ा कैरेक्टर आप करते हो तो यही जो लोग आपको तब छेड़ा करते थे या बोला करते थे या महफिल में कुछ बातें किया करते थे, जब आप बड़ा कोई कैरेक्टर करते हो तब इनकी डेथ हो जाती है तब ये बिल्कुल मौन धारण कर लेते हैं, और तब फिर ये आपको कहीं छुप छुप के मैसेज भी करते हैं, हाँ कभी मैसेंजर पे कभी व्हाट्सएप पे कि यार पाजी आपने कमाल कर दिया, तो क्योंकि बट आपको पता होता है कि इसने मेरे बारे में महफिल में क्या बोला था, क्योंकि आपके पास वो आजकल वो चैट की आप स्क्रीनशॉट भी लेके रखते हो, तो आपको कोई आपका दोस्त वो स्क्रीनशॉट भी भेज के रखता है कि भाई तेरे बारे में ये बात हो रही थी, ग्रुप में हो रही थी या कहीं पर, रिकॉर्ड करके भी भेज देता है, तो बोलते हैं लोग, बट ठीक है चर्दी कला में रहना चाहिए और माफ कर देना चाहिए, फॉरगिवनेस सबसे बड़ी चीज है, तो माफ कर देना जी। तो अब जो लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं उसे किस तरह देखते हैं एंड कितना ग्रेटफुल महसूस कर रहे हैं आप खुद को? देखिए बहुत अच्छे चेंजेस हैं, और चेंज इज लॉ ऑफ नेचर, ये हमेशा की बात है कि अगर चेंज नहीं हो रही है तो फिर वो एक सोचने वाली विचार करने वाली बात है। और मैं अभी कल मेरे मम्मा से मैं बात कर रहा था, तो जैसे वो हम एक माता रानी की वो बात करते हैं ना कि जब वैष्णो दरबार जाते हैं तो वो कहते हैं पौड़ी पौड़ी चढ़ता जा जय माता दी करता जा तो मेरे मम्मा वही बोलते हैं कि बेटा एक एक सीढ़ी चढ़ते जाओ, आराम से ऊपर जाओ। और वो एक शेर है ना बहुत अच्छा कि जब से चला हूँ मेरी मंजिल पे नज़र है, आँखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा। तो माइलस्टोन वो ठीक है काउंट कर भी लो, देखते रहो, लेकिन जो मम्मा वाली बात है कि सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ते जाओ, बस ये है कि कल से आपकी आज थोड़ी सी तरक्की होनी चाहिए, थोड़ी सी प्रमोशन होनी चाहिए, अगर वो हो रही है तो आप समझ लो कि यू आर ऑन द राइट ट्रैक, और मैं सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ रहा हूँ, और मेरे को लगता है कि जब कभी मैं नीचे भी आऊँगा तो आराम से प्यार से आऊँगा। और अभी क्या है, अभी अगर सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ते हो ना तो लोगों को भी ये लगता है कि हाँ यार मेहनत से, इतने सालों की जो कड़ी मेहनत है उसका ही फल मिल रहा है अभी, और इस वजह से ऊपर जा रहे हैं धीरे धीरे। तो मेरे को लगता है कि बड़े अच्छे, और चाहे स्लो है थोड़ा सा, ये कछुए वाली चाल है, लेकिन हमने वो खरगोश वाली चाल लेके भी क्या करना है,
पहुंचना है जहाँ पहुंच ही जाएंगे, आराम से पहुंचेंगे, क्या दिक्कत है। और मेरे को नहीं लगता कि मैं अभी मेरी मैं उम्र दराज होऊंगा अभी तो लंबी उम्र होगी, तो मेरे को लगता है कि सारी उम्र काम ही करेंगे तो। बट इस पेस पे मतलब धीरे धीरे चलता रहे और अच्छे प्रोजेक्ट्स अच्छे होने चाहिए। मैं इस मामले में मैं कहूँगा कि शुरुआती दौर में जब कोई भी इंसान काम शुरू करता है तो वो उसके पास ये ताकत नहीं होती कि वो किसी प्रोजेक्ट को मना करते, क्योंकि काम चाहिए होता है हर इंसान, और बैगर्स आर नॉट चूजर्स। मेरे साथ भी यही रहा है कि आपको कुछ भी आया तो आप थोड़ा बहुत आनाकानी करके लेकिन आप करना चाहते हो। लेकिन अभी पिछले कुछ सालों से अगर मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये प्रोजेक्ट मेरे को नहीं करना, मैं आप इसको मतलब चाहे हमें देखने वाले भी ये चीज़ ना समझ लें कि कोई एरोगेंस है कि मैं मना कर देता हूँ काम को, नहीं, बट मैं बड़ा पोलाइटली ये बोल देता हूँ कि यार मेरे को अपने करियर के इस पॉइंट पे ये कैरेक्टर करना मेरे को समझ में नहीं आ रहा। और जितने लोगों को भी आज तक मैंने ये बात बोली है, क्योंकि मेरी ज़िंदगी में बहुत अच्छे लोग ही आए हैं और मेरे को उम्मीद है कि आते भी रहेंगे, वो अच्छे लोग ऐसे हैं कि वो समझते हैं मेरी इस बात को, मेरी भावना को समझते हैं कि यार एक बंदे ने 15 साल अपनी ज़िंदगी के इस लाइन में बिता दिए हैं तो वो शायद अपना अच्छा ही चाह रहा है। तो इस वजह से मैं जब भी किसी को पोलाइटली बोलता हूँ कि यार मेरे को सर या पाजी या जो भी कि यार मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा, तो वो समझते हैं इस बात को, क्योंकि उनको पता है कि यार करियर के इस पॉइंट पे कोई रिस्क नहीं लेता तो, और अच्छा चल रहा है बहुत अच्छा, तो फिर पंगा लेना भी नहीं चाहिए। आराम से सहज होके सहज भाव से आपको अच्छी चीज़ें करनी। सो अभी आपने थोड़े टाइम पहले जिक्र किया वो स्क्रीनशॉट और जो बाकी मतलब आजकल सोशल मीडिया अपना इतना स्ट्रांग हो गया है, व्हाट्सएप हो, इंस्टाग्राम हो, सब कुछ, तो ये अभी कैसे होता है ना जब आप एक कोई पब्लिक फिगर होते हैं, कोई अच्छी पर्सनैलिटी होती है लाइक जिन्हें लोग फॉलो कर रहे हैं, तो उनके पीछे भी ना वो ट्रोलर्स भी काफ़ी पड़ जाते हैं बिकॉज सोशल मीडिया अपना इतना स्ट्रांग हो गया है। कई बार अगर आप बीइंग एक्टर एक्ट्रेस को तो सबसे ज़्यादा फेस करना पड़ता है ये सब, वो ट्रोलिंग वगैरह पे मतलब आप उसको कैसे देखते हैं अगर कोई आपको ट्रोल कर रहा है? नहीं, मेरे को वैसे तो मेरे को कभी किसी ने ट्रोल किया नहीं है तो, लेकिन बीच में पीछे एक ना मेरी इंटरव्यू हुई पंजाब में, एक इंटरव्यू की, वो इस बात को साल हुआ, एक साल हुआ, तो हुआ क्या कि मैंने अपने अबोहर शहर का नाम 2-3 दफ़ा मैंने लिया और मैंने ये किसी और संदर्भ में कहा कि हम एक बहुत छोटे शहर से आते हैं, हम टेल पे बैठे हैं पंजाब की, लेकिन हमारा शहर के लोग बड़े प्यारे हैं, तो मैंने 1-2 दफ़ा उस शहर का नाम छोटा ले दिया। तो मेरे मैसेज बॉक्स में एक बहुत महानुभाव है हमारे शहर के, उन्होंने लिख दिया कि अबोहर इतना भी छोटा नहीं है। तो मैंने तो ऐसे जो इनको पंजाब में हम पंजाबी में बोलते हैं चवला, एक चवल बंदे ने, तो इनको हम तवज्जो नहीं देते। तो वैसे भी वो बोलते हैं ना कि आप अपनी मौज में चलिए, जो आपको बोलता है वो क्योंकि बोलने देना चाहिए। और वैसे मेरे को बहुत ज़्यादा ट्रोल कोई या क्योंकि अभी ऐसा कुछ मेरा बहुत ज़्यादा काम, मैं जैसे आपको बताया कि मैं सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ रहा हूँ, तो अभी मेरे ख्याल मैं अपने उस ग्रोइंग फेज़ में हूँ, तो अभी धीरे धीरे शायद ट्रोलर्स आएंगे, ट्रोल करेंगे भी कैरेक्टर्स को लेके भी, लेकिन नहीं नहीं जी, मैं वैसे भी हम अबोहर से हैं और हमारे तो अगर एक बार ही कोई दो बार ही कोई नहीं समझता तो फिर हम छितर उतार लेते हैं। आपने कह दिया कि हाँ जी हाँ जी हाँ जी हम तो हाँ जी हाँ जी हम तो फिर बात, और मेरा गांव है साथ में अबोहर से खुइया सरवर, हम खुइया सरवर वाले वैसे भी हम बड़े रूखे स्वभाव के हैं, जितने मीठे हैं उतने हम कोरे भी हैं, तो फिर हम दूसरे थोड़ा सा बिलो द बेल्ट होके फिर हम चल पड़ते हैं, तो फिर वो भी हमारा एक मतलब वो होता है ना कि अदर फेस, तो वो एक फेस है, हम जितने मीठे हैं जितने प्यारे हैं तहजीब से बात करते हैं, लेकिन जब फिर वही है ना कि जैसे बानी में बहुत एक मेरे ख्याल गुरु तेग बहादुर जी का वाक्य, मैं मतलब अगर गलती करूं तो मैं माफ़ी भी चाहूंगा, तो मेरे ग्रैंडफादर ये बात बोला करते थे कि वो कहते थे कि भय किसी को देत नै, भय किसी को देत नै, ना ही भय मानत आन। कि पहली बात तो ये है कि हम किसी को भयभीत नहीं करते, लेकिन अगर हमें कोई भयभीत करता है या हमारे सर पे सवार होता है फिर हम डरते भी नहीं है। तो हमारा भी यही है, जब तक कोई तमीज से तहजीब से जी कहेगा हम उसको 20 बार जी कहेंगे, अगर कोई ओए करेगा तो 1-2 दफ़ा सुनेंगे, लेकिन ओए का फिर आपको पता है पंजाबी में क्या होता है समझ रहे, तो फिर अपना वो हिसाब है, जितना पोलाइट होके आप चलोगे। जैसे हमने अभी इम्तियाज सर की बात की, दिलजीत पाजी की बात की, आपने कभी नहीं सुना होगा कि इन्होंने कभी किसी को ऐसे रूड लैंग्वेज में बात की है, वो ट्रोलर्स अगर आते भी हैं तो वो फिर उनको इग्नोर कर देते हैं। और मेरे ख्याल समटाइम्स बोलते हैं ना अंग्रेजी में कि समटाइम्स इग्नोरेंस इज अ ब्लिस, वो किसी और संदर्भ में है लेकिन इग्नोरेंट होना भी चाहिए, इग्नोर करते रहो चीज़ें तो आप वैसे आगे निकलते जाते हो, अदरवाइज क्या होता है आपकी एनर्जी फिर वहाँ पे
लग जाती है सारी, उनको जवाब देने में। अगर आपको नहीं अच्छा लग रहा जवाब, अभी जैसे पीछे इंस्टा पे किसी ने मेरे मामला लीगल है जब आई, तो सरदार कैरेक्टर मैंने प्ले किया, और मैंने काफ़ी सरदार कैरेक्टर प्ले किया, चाहे 83 में था, चाहे नमस्ते इंग्लैंड में था, तो मैं हमेशा ये मेक श्योर करता हूँ मेरे को बल्ले बल्ले वाला वो सरदार वो मेरे को, क्योंकि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है जब आपके सर पे दस्तार आ जाती है, जब पगड़ी आ जाती है, तो आपके सर पे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारे गुरुओं की कि उन्होंने हमें किस तरीके से ये चीज़ दी थी। और आपके सर पे आप सरदार नहीं हो, लेकिन फिर भी आप कटसर्ड हो, अगर आपके बाल कटे फिर भी आपके सर पे पगड़ी है, तो आप रिस्पॉन्सिबल हो। तो मैं ये मेक श्योर करता हूँ, चाहे डायरेक्टर के साथ थोड़ा सा उनको बोलना पड़े कि सर ये वो बल्ले बल्ले वाला मत बना देना, क्योंकि ये बेसिकली मजाक के पात्र नहीं है ये। तो ये हमेशा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी रहती है कि यार अगर कोई कैरेक्टर आप कर रहे हो, चाहे सरदार कर रहे हो, तो रिस्पॉन्सिबल होके करना चाहिए, और थोड़ा सा तमीज़ से, तहजीब से। परिणीति को भी आपने लाइव गाते हुए सुना है, अगर मैं आपको बता दूं कि जब उन्होंने लाइव मतलब ये गाना गाने शुरू किया था लाइव, तो कई बार वो भी मतलब ट्रोलिंग का काफ़ी शिकार हुई थी, बट आपने जब सामने से सुना उन्हें लाइव गाते हुए, आपका क्या रिएक्शन था? मैं एक बात आपको बता दूं, परिणीति ट्रेंड क्लासिकल सिंगर हैं, लोगों को नहीं पता। अच्छा, ट्रोलर्स क्या हैं, बब्बू मान हमारे पंजाब के बहुत बड़े सिंगर हैं, वो कहते हैं दसां दा पैक पवा के कोई घर बह के बकवास करता है। सच बात है, उनकी तो आवाज़, मतलब आपके पास इंटरनेट आ गया आजकल, कहीं पर भी मुँह उठा के किसी का वाईफाई का पासवर्ड लेके आप बकवास कर रहे हो, और आपने ज़िंदगी में अभी तक कुछ नहीं किया, आप अपने घर से ही नहीं निकले, आप अपने घर से ही नहीं निकले। तो बेसिकली परिणीति जो मैंने सुना उनको, मेरी भी थोड़ी सी म्यूज़िक बैकग्राउंड रही है, तो मेरे को, मैं बेसिकली गाने में शायद कंसुरा या बेसुरा हो सकता हूँ, लेकिन मैं सुनता हूँ तो मेरे कान बहुत अच्छे हैं, मैं अच्छे स्वर को सुन लेता हूँ, समझ आ जाती है मुझे कि ये सुरीला है बंदा। परिणीति बहुत सुरीली हैं, और वो क्लासिकल की उनकी ट्रेनिंग है, लेकिन अमरजोत का कैरेक्टर ऑल टुगेदर, जैसे फिल्म में भी एक डायलॉग है कि चमकीला के साथ कोई भी सिंगर नहीं टिकती थी फीमेल सिंगर, क्योंकि वो बहुत हाई पिच पे गाता था, चमकीले बहुत हाई पिच पे गाते थे, तो दिलजीत पाजी भी उस पिच पे गा रहे थे, तो परिणीति शायद वो एक डेढ़ स्वर का वो चक्कर रह जाता था, इस वजह से शायद वो थोड़ा सा कंफर्टेबल नहीं थी। लेकिन लाइव शोज में आप देखिए, परिणीति ने बहुत अच्छा गाया, जो फिल्म में हमारे अखाड़ों में बहुत अच्छा गाया है, वो लाइव शो में एक दो दफ़ा हो गया कि नहीं सुर लगा, तो भाई उनसे तो अच्छा है कि जो लोग पीछे सीडी लगा के या वैसे गा रहे हैं, हाँ तो वो वैसे आप सिर्फ मुंह हिला रहे हो, उससे तो अच्छा ना कि परिणीति ने ये कोशिश की कि वो लाइव गाए। लोग जो मर्जी ट्रोल करते रहे, आप, मैं एक बात बोलता हूँ, जो लोग ट्रोल करते हैं आप उनको ये पूछना चाहिए या उनको ये बोलना चाहिए कि आप एक बार 20 लोगों के सामने भी माइक पकड़ के कुछ एक अपनी जबान से एक शब्द बोल के दिखाओ। ट्रोल करने वाले सामने आते ही कहाँ है, वो खाली पीछे से करके चले जाते हैं, अकाउंट भी तो उनके खुद के नहीं होते ना, तो खुद का प्रोफाइल पिक्चर भी नहीं दिखा सकते, मतलब वो खाली वो ट्रोलिंग का काम कर सकते हैं, आते कहाँ से पता नहीं है, पता ही नहीं चलता आते कहाँ से, आप लोग भाई समझ में नहीं आता यहाँ पे कि आते कहाँ से, आप जहाँ से आते हो ना वहीं रहो, कितनी दफा बोल चुके हैं लेकिन समझ में ही नहीं आता आते कहाँ से, और वो भी 10 बहुत ट्रोल करते हैं। अरे ऑफ कोर्स, मतलब अभी हम आपसे बात भी कर रहे हैं, अगर हम लोगों का भी कुछ चलो ऊपर नीचे हो जाता है, इंसानी है, रोबोट नहीं है कोई, की मशीन फिक्स कर दिया गया है, वो पीछे से सिस्टमैटिक निकलते जाए, हो जाता है कभी कभी ऊपर नीचे, हम भी तो इंसानी है। मेरे को ऐसा लगता है कि जो बेसिकली कुछ भी परफेक्ट नहीं है, करेक्ट, चाहे वो रिश्ते हैं, चाहे वो दुनिया की कोई भी चीज़ है, कुछ भी परफेक्ट नहीं है। अगर तो, हर चीज़ें परफेक्ट चलने लगेगी ना, तो इंसान इंसान नहीं रह जाएगा, मशीन बन जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, बाकी ठीक है, जैसे आपने कहा कि ये समझेंगे नहीं। आपकी फैमिली का मतलब आप कैसा, आपके साथ जब आपकी पिक्चर देखा वो लोगों ने, क्या कॉम्प्लीमेंट मिला आपको घर से, मतलब माँ से क्या कॉम्प्लीमेंट मिला, आपकी अर्धागिनी जो आपकी वाइफ है उनसे क्या कॉम्प्लीमेंट मिला आपको? देखिए, सबसे बड़े क्रिटिक अगर कोई हैं फैमिली वाले, तो वो आपके फैमिली वाले हैं, क्योंकि वो आपको इन आउट, वो बहुत अच्छे से जानते हैं आपको कि आप इस चीज़ पे कैसे रिएक्ट करो। शुरुआती दौर में मेरे फादर सबसे बड़े क्रिटिक थे मेरे, वो बोलते ओ यार ये वधिया लगा मैंने तेरा, तू मैं नकली कितना है, वो इस बात में उनको अगर कोई चीज़ नकली लगती थी तो मेरे को समझ में आता था कि ये मैंने शायद दिल से नहीं की ये चीज़, मैं शायद टेक्निकल रीज़न कुछ भी रहा होगा, क्योंकि आपको नहीं पता होता कैमरे के पीछे 100 टेक्निकल रीज़न्स होते हैं। लेकिन अभी कुछ सालों से मेरे माँ बाप मेरे प्रशंसक बने हैं, मेरी वाइफ, मेरी बहन, मेरे जीजा जी, वो सब मेरे अभी प्रशंसक हैं, और मेरी बहन बहुत ज़्यादा बड़ी क्रिटिक है, हाँ वो पढ़ी लिखी बहुत है,
और PhD एंड केमिस्ट्री ऑर्गेनिक्स, तो वो अपने जो फॉर्मूले है वो मेरे पे दाग दाग के मारती है कि इसमें तूने अच्छा नहीं किया है, ये तेरा मेरे को एक्सप्रेशन अच्छा नहीं लगा। मेरी बीवी भी, क्योंकि वो दिल्ली आर्ट कॉलेज से, आर्ट बैकग्राउंड से है, तो वो बेसिकली पेंटिंग भी करती है, तो उसको कैरेक्टर्स भी समझ में आते हैं, और हाँ उसको समझ में आता है कि कहीं कुछ लोचा है। बट माँ बाप तो माँ बाप है ना, उनका कुछ लेना देना नहीं, वो तो बच्चन साहब को देख रहे हैं, धर्मेंद्र को देख रहे हैं, उनको लगता है कि हाँ यार हमारा बच्चा अभी बहुत अच्छा काम करने लग गया है, कि सच्चा सच्चा काम लगता है इसका। जैसे अभी मामला लीगल है के टाइम पे मेरे मॉम डैड ने पहले दिन, और मैं हैरान था कि कैसे उन्होंने नेटफ्लिक्स चलाया, कैसे उन्होंने वो 4.5-5 घंटे वो सारे एपिसोड्स देख के मेरे को कॉल किया कि मज़ा आ गया। अभी चमकीला कल मेरे ख्याल 12:30 शायद आई, और मेरे मॉम डैड ने देख ली, रात को मेरी वाइफ ने, मेरी बहन ने, सब ने देखा, तो बड़ा मजा आया। आते ही मतलब सारे बैठे थे टीवी चालू करके। और सबसे बड़ी बात जो मेरे लिए सबसे क्या होता है कि आप जहाँ से आपकी जो रूट होती है, पेड़ कोई भी है वो जड़ के बिना कुछ नहीं है, तो अगर उसकी जड़ है तो वो टिका हुआ है, अदरवाइज वो धराशायी है, गिर जाएगा। तो जैसे जिस शहर से मैं हूँ, अबोहर से, सबसे ज़्यादा प्यार वहाँ से मिलता है। और मैं सच्ची बता रहा हूँ, मैं कुछ भी कर दूँ उन्होंने मेरे को पलकों पे उठाना ही उठाना है कि यार ये हमारा। और मैं भी एक बात मेक श्योर करता हूँ, मैं कुछ ऐसा काम ना करूँ ज़िंदगी में कि मेरे अबोहर शहर का या मेरे होम टाउन का नाम मतलब, क्योंकि बहुत बड़ा नाम है, और तो मैं नहीं चाहता कि मेरे शहर का नाम मेरी वजह से कुछ थोड़ा सा भी उस पर दाग लगे, या लोग कहें कि यार तुहाडे अबोहर शहर का मुंडा सीगा, भी इन्हें कोई गल नहीं। तो मेरे को बड़ा मज़ा आता है कि आप अपने शहर का नाम चमका रहे हो, चमका मतलब आपको उस शहर ने ही तैयार किया। तो अबोहर फाजिलका हमारा एक ऐसी बेल्ट है कि ये लोग अगर किसी को सर पर उठा लेते हैं, फाजिलका वाले या अबोहर वाले, तो फिर मतलब वो बंदा, तो फिर आप अपने आप को स्टार समझिए कि मेरे शहर वाले मेरे साथ है, तो फिर आप स्टार हो। करेक्ट, और अपने शहर में ही ज़्यादा चर्चा होनी चाहिए, बिकॉज बाहर वाले तो खाली ज़्यादातर लोग जो आते हैं मज़ा लेने ही आते हैं, बट अपने शहर वाले अपनी कीमत बहुत अच्छी तरह जानते हैं। मेरे बीच में क्या हुआ था, मेरी किसी पोस्ट पे किसी इंसान ने कुछ ऐसे ही लिख दिया था, तो मेरे अबोहर वाले 3-4 लोगों ने मतलब दबा के, और मेरे को नहीं पता वो रैंडम, तो मेरे को बाद में पता चला कि ये अबोहर से थे, तो मेरे को जवाब देने की मतलब मेरे को जवाब देने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी, उन्होंने खुद हाँ जी तो इतना प्यार, इतना प्यार, हाँ बहुत प्यार। और अब वो ऐसा है, वो छोटे शहर में क्या होता है, वहाँ पे आप उनके लिए वैसे, उनको पता है कि बहुत बढ़िया काम कर रहा है, बड़ा है, लेकिन वहाँ पे क्या होता है, ओ बत्रा साहब यार इधर आओ, फोटो फोटो कराइए यार, ओ आ जाओ यार, बह जाओ यार, आवाज़ लगा लेंगे, चलते फिरते कॉलर पकड़ लेंगे, या आपको गली, हाँ गली हमारा बंदा है भाई, तू होगा वहाँ पे, फोटो फोटो उनके साथ, तेरी फैन फून जो भी है, हमारे लिए तो वही है बत्रा समझ रहे हो, तो वो हैं छोटे शहरों की कई बातें बहुत अच्छी हैं जी। तो अब आने वाले टाइम में क्या नए प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं, ना आपकी क्या अंदर से इच्छा है, किन के साथ आपको काम करना है, बिकॉज एक कहते हैं ना, माँ बाप का एक फेवरेट बच्चा भी होता है, वैसे आपका भी एक एक्ट्रेस का भी होता है कि हाँ मुझे ये कैरेक्टर तो ज़रूर अपनी ज़िंदगी में करना, और मुझे तो लगता है आपने आप हर वो पल जीत चुके हैं, कॉमेडी का, सीरियसनेस का, मतलब हर एक चीज़ जी चुके हैं आप। एक्शन वैक्शन का कुछ इरादा है आपका, मतलब क्या करेंगे? यार एक्शन मैंने बहुत किया पहले, मतलब जैसे मैंने आपको बताया क्राइम पेट्रोल वगैरह में, बट एक्टर बहुत लालची होता है, उसको हर तरह का काम करना है, तो आपको वो जो हीरोइज्म वाली चीज़ें होती हैं ना, वो भी आपको कहीं ना कहीं करनी होती है, चाहे आपकी शक्ल आपका साथ ना दे लेकिन हर माँ के लिए जैसे अपना बच्चा हीरो है ना, तो हर इंसान अपने आप में अमिताभ बच्चन देखता है, तो वो एंग्री यंग मैन वाला उसको वो काम करना होता है, तो बीच बीच में मैं कर लेता हूँ, मेरे को कोई कैरेक्टर में बीच बीच में वो थोड़ा थोड़ा खेल लेता हूँ कि एंग्री वाला और थोड़ा सा कॉमेडी वाला, बट डायरेक्टर की कोई एज सच मेरी कोई बहुत बड़ी लिस्ट नहीं है। मैंने जैसे बोला कि डिवाइन पे छोड़ देना चाहिए, और वो आपके लिए रास्ता अपने आप बनाती चली जाती है, तो जितने भी अच्छे डायरेक्टर हैं सबके साथ काम करने का मन है, और मैंने मेरे ख्याल मेरे पास लंबी फहरिस्त है कि जिन जिन लोगों के साथ, वो सारे अच्छे डायरेक्टर्स हैं, और मेरे ख्याल अभी जितने भी आजकल के डायरेक्टर्स हैं मैं सबके साथ काम करना चाहता हूँ, सबके साथ अलग अलग तरीके का काम करना चाहता हूँ, प्रांत प्रांत के लोगों के साथ काम करना चाहता हूँ, मतलब बेसिकली काम करना चाहता हूँ, अच्छा काम करना चाहता हूँ बस, बाकी बाबा जी कृपा करें, वाहेगुरु की मेहर शुरू से है, और मेरे को लगता है कि बनी भी रहेगी, वो उनका एक बोलते हैं ना कि हुक्म है, डिवाइन ऑर्डर है, तो हम उसमें सब उसी में बंधे हुए हैं, और वो डिवाइन ऑर्डर के चलते मेरे को यकीन है कि अच्छा ही हुआ और बढ़िया जी। तो अब आने वाले टाइम में क्या आ रहा है, कुछ पाइपलाइन में है? यस, आने वाले टाइम में एक तो
लवरंजन सर ने प्रोड्यूस की है फिल्म, और सिमर सानी की ने डायरेक्ट की है, वो भी अभी उसका टीजर शायद आपने देखा होगा, वाइल्ड वाइल्ड पंजाब, तो वो फिल्म आ रही है, उसमें बहुत अच्छा कैरेक्टर, बहुत अतरंगी कैरेक्टर है, मतलब मेरे को लगता है कि उस कैरेक्टर को भी लोग प्यार करेंगे। और बाकी मामला लीगल है, सीज़न वन को बहुत बेशुमार प्यार मिला, तो उस वजह से उसका सेकेंड सीज़न अनाउंस हो गया, तो वो जल्दी हम लोग फ्लोर पर जाएंगे और वो शुरू हो जाएगा। बाकी एक पंजाबी फिल्म है, वो तैयार है बिल्कुल, एडिट के बाद और वो सब चीज़ों के बाद, पोस्ट प्रोडक्शन के बाद वो रेडी है, वो भी अभी पता नहीं उसकी डेट क्या है रिलीज़ होने की, लेकिन वाइल्ड वाइल्ड पंजाब जल्दी आ जाएगी, अभी 2-3 महीनों में वाइल्ड वाइल्ड पंजाब। सो अभी फ़िलहाल के लिए यही है, बाकी बातें चलती रहती हैं, बातों का क्या है, बात तो आते रहेंगे। और भी क्या नए प्रोजेक्ट सब, कल को क्या पता आपने कुछ सरप्राइज में रखा हो, कल ही आप अनाउंस करें, छुपाने वाली कोई बात नहीं, बट मैं तो चाहता हूँ कि लोगों को पता चले कि भाई क्या कर रहा हूँ। अच्छा लगता है कि जब आपके जो कुछ भी आपको, आपके प्रशंसक हैं या आपको प्यार करते हैं, जो लोग आपको दुआएं देते हैं, ब्लेसिंग्स देते हैं, उनको पता होना चाहिए कि आप अभी क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट प्लान ऑफ एक्शन क्या है आपका, उनको पता होना चाहिए, तो मैंने कभी दिल में बात रखी नहीं, बट यही फिलहाल यही है। बाकी एक दो चीज़ों की बातें चल रही हैं, अभी वो बड़ी इनिशियल स्टेज पे हैं, तो अभी उनके बारे में जिक्र करना, वो फिर नहीं होती तो फिर आप वो हादसे के पात्र बन जाते हो कि यार भाई हुआ नहीं है ना, तो बट बहुत अच्छा चल रहा है। अभी मैं फिलहाल मैं इस फेज़ को इन्जॉय करना चाह रहा हूँ। मामला लीगल है, इतनी बड़ी हिट हो गई है, इतना प्यार मिल रहा है, चमकीला लोग, अभी कल से पता चल रहा है कि प्रीमियर भी हुआ, तो आपने देखा ही होगा कि कितने लोग मतलब एक्साइटेड थे फिल्म देखने के लिए, और देख भी रहे फिल्म हैं। हाँ, और फिल्म देखने के बाद जो उनके रिव्यूज आए हैं, जो उन्होंने प्यार दिया, जो प्यार मतलब मेरे को भी ऐसा लग रहा है कि सच में बाबा जी की मतलब अपार कृपा है कि बढ़िया चल रहा है, बहुत बहुत मजा आ रहा है, इंजॉय कर रहा हूँ मैं इस फेज को। मेरा आखिरी क्वेश्चन आपसे ये, एक एक्टर की लाइफ में सबसे ज्यादा वो इमोशनल पल क्या होता है अपने करियर को लेके? जब बहुत सालों बाद मतलब फेलियर्स के बाद, काफ़ी फ्लॉप्स के बाद एक हिट मिलती है, हाय, तो मेरे ख्याल से क्योंकि आप होता क्या है कि आप काम उसी शिद्दत से, उसी जज्बे से, आप हर फिल्म में, हर प्रोजेक्ट में अपना 100% जितना आपके पास शायद ताकत नहीं भी होती, मेरे पास तो बहुत ज़्यादा, मैं अच्छा एक्टर नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मेरे बेस्ट ऑफ द बेस्ट, थोड़े भी आप बहुत अच्छे एक्टर हो, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि भाई जितना मेरे पास नहीं भी है ना, मैं वो भी कर डालूं, लेकिन वो आगे हर प्रोजेक्ट की किस्मत होती है, लोगों की किस्मत होती है कि वो चलती है, ऑडियंस के ऊपर होता है, ऑडियंस पसंद करती है या नहीं करती है, लेकिन सच में 83 बहुत पसंद की लोगों ने, जर्सी बहुत पसंद की, और उसके बाद सबसे ज़्यादा अगर अभी मामला लीगल है, तो सच में मतलब मैं ना मैं बहुत कम रोता हूँ, लेकिन अभी थोड़े दिन पहले मैं 3-4 बार ही रोया, 3-4 दफ़ा रोया, कि होता क्या है कि देवडी के बाद इतनी बड़ी सक्सेस, इतनी बड़ी हिट होना इतने सालों बाद, और जिसमें आपका कैरेक्टर बहुत अच्छा था, मिंटू को बहुत प्यार दिया वकील साहब को, और तो फिर वो मेरे ख्याल में जो आपने आपका सवाल था कि एक्टर के लिए, तो मेरे ख्याल से जब आपको हिट मिलती है ना, तो तब मज़ा आता है सच में, वो अंदर तक आपको तृप्ति हो जाती है आपकी कि यार अब शायद लोगों ने पसंद किया है, तो अब अच्छा फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है कि जैसे बोलते हैं ना, विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, जब लोग आपको ये पावर ही है, लोग जो आपको पावर देते हैं कि आप एक अच्छे कलाकार बन गए हो, तो फिर उसके बाद आप रिस्पॉन्सिबल और ज़्यादा हो जाते हैं कि अभी मैं और अच्छा प्रोजेक्ट करूँ, और ज़्यादा मेहनत करूँ, कि लोग कहें कि हाँ यार पिछली बारी से अभी और ज़्यादा मेहनत लग रही है, समझ में आ रही है कि इंसान ने और ज़्यादा मेहनत। एक होता है एक्ट्रेस की लाइफ में एनर्जी लेवल भी मैच करना, तो आपने तो बहुत सारे मतलब ऐसे को एक्ट्रेस के साथ आपके काम कर चुके हैं, एनर्जी लेवल अब तक आपको सबसे हाई किसका लगा है? अनडाउटेडली रणवीर सिंह पाजी, मतलब वो हम लंदन में थे 83 के टाइम पे, और मतलब रणवीर पाजी ने जब मिलना, तो उन मतलब उन्होंने कभी मेरे को अंजुम नहीं बुलाया, और मेरे कोई मेरा एक दो सीन ही थे उनके साथ, बाकी मेरी अपनी अलग जर्नी थी फिल्म में। रणवीर पाजी जब भी मैं कुलवंत जब भी डाल लेनी उन्होंने, अरे बाप रे वो एनर्जी। हम एक दिन क्या हुआ, मैं एक सेकंड का आपको एक छोटा सा किस्सा बताता हूँ। एक दिन हमारा शूट था, और रणवीर पाजी तब प्रैक्टिस कर रहे थे, सिर्फ प्रैक्टिस करने के लिए, उस दिन उन्होंने प्रैक्टिस करनी थी और कुछ नहीं करना था। वो बंदा 6 घंटे ग्राउंड में था, तनब्रिज वेल्स करके एक जगह थी और ग्राउंड था जहाँ पे हम शूट कर रहे थे। वो इंसान 6 घंटे
मतलब वो कभी बॉलिंग की प्रैक्टिस कर रहा है, कभी वो बैटिंग की प्रैक्टिस कर रहा है, कभी वो फील्डिंग की प्रैक्टिस कर रहा है, और हम लोग बीच बीच में आके छाया में बैठ जाते थे कि यार थक गए यार शूट कर रहे हैं। मतलब वो बंदा थकता ही नहीं, वो बंदा मतलब इतनी एनर्जी वो लाता कहाँ से है। मेरे को लोग बोलते हैं कि बतरे यार अंजुम तेरे में बहुत ज़्यादा एनर्जी है, बहुत एनर्जेटिक रहता हूँ मैं, लेकिन मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। वो तो पता नहीं किस पावर हाउस में उंगली दे के आते हैं, मतलब कि सुबह सुबह चार्ज होके आता है वो बंदा। बड़ा कमाल आदमी है वो। और अच्छा वो भी हर इंसान को वैसे ही ट्रीट करते हैं, कोई भी सेट पे आ गया किसी ने बोल दिया कि रणवीर पाजी आपके साथ बोला, अरे आ जा आ जा, तो मतलब बड़ा कमाल, बहुत कमाल है, एनर्जेटिक। तो आपने जो पूछा था ना कि सबसे ज़्यादा एनर्जी रणवीर सिंह में, मैचलेस, हाँ उनके जैसा कोई नहीं है। क्योंकि आपने बहुत सारे एक्टर से साथ किया है, बिकॉज उनका जब उनके साथ कोई भी एक्टर काम करके आता ना तो उसका यही बोलना होता है कि उनकी जो एनर्जी लेवल है वो मैच करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, वो इतने चार्ज रहते हैं। बहुत मुश्किल है सच में। और मतलब वो मैं बोलता हूँ कि वो बंदा महान ही होगा जो उनकी एनर्जी को मैच करता है, सच में बहुत बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक आदमी। सो लास्टली क्या मैसेज देना चाहेंगे फैंस को जो आपको इतना प्यार दे रहे हैं? फैंस तो है ये प्यार करने वाले हैं, तो बस सारे चाहने वालों को, प्यार करने वालों को बस मैसेज कोई नहीं है आज के लिए, बहुत समझदार है, इनको मैसेज कुछ नहीं है, बस इनके सामने ये गुजारिश है कि जैसे पहले आप सब प्रोजेक्ट्स को प्यार कर रहे थे, प्यार दिया आप लोगों ने, अभी आने वाले प्रोजेक्ट्स को भी और ज़्यादा प्यार दीजिएगा, बस यही कहना चाहूँगा। आप कुछ कह दीजिए प्लीज़ मेरी तरफ से। थैंक यू सो मच अंजुम जी। एंड गाइस प्लीज़ आप लोग चमकीला ज़रूर देखिए, बहुत मज़ा आएगा। मतलब आप 4-5 घंटे जब आप बैठे भी रहेंगे तो आपको ज़रा भी महसूस नहीं होगा कि आप किसी चीज़ को लाइक पिक्चर देख रहे हैं या आपको थोड़ा और कुछ कहीं जाना है, आपको इनफैक्ट रील्स देखने का भी मन नहीं करेगा पिक्चर के बीच बिल्कुल, में बिल्कुल। और चमकीला मतलब एक कहानी है अपने आप में, एक बहुत बड़ी कहानी है। सो आप लोग प्लीज़, और अभी वो वाला भी नहीं है कि मैं आपको ये बोलूँगी प्लीज़ थिएटर्स में जाके आप अपना वक्त निकाल के जाइए थिएटर्स में, आप सिर्फ अपने घर पे वक्त निकालिए 2-2.5 घंटों का, नेटफ्लिक्स ऑन कीजिए और प्लीज़ नेटफ्लिक्स पे देखिए हमारी फिल्म चमकीला। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच अंजुम जी, आपने इतना टाइम दिया एंड आपसे बात करके बहुत मज़ा आया। थैंक यू सो मच। आपकी भी एनर्जी रणवीर सिंह से कम नहीं है, बहुत बढ़िया एनर्जी। थैंक यू सो मच मैम।